नमस्ते एवरीबॉडी, आज मेरे साथ है सबसे बड़े एक्सपोर्टर ऑफ पोमोग्रेनेट्स जो गुजरात से बनते हैं, गुजरात में खेती करते हैं और विविध देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। पोमोग्रेनेट्स के बारे में हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, पर वो काफी पुराना है। पर आज हमारे पास जो साहब आए हैं, श्री हर्षवर्धन सिंह जाडेजा जो राजकोट से हैं, उनकी बहुत बड़ी खेती है और प्रोसेसिंग यूनिट भी है जहां से वो पोमोग्रेनेट्स यानी कि अनार वहां से वो एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में भी भेजते हैं। तो आज मैं उनको वेलकम कर रही हूँ IIIM के इस शो में। और सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ IIIM एंड आई वुड लाइक टू हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट यू। आप क्या है, क्या करते हैं, जहाँ पे आप पोमोग्रेनेट ग्रोअर्स एसोसिएशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। जी मैम। अच्छा मैम, मैंने पोमोग्रेनेट प्लांटेशन लगाए अपने फार्म पे 2013 से। ओके। और पूरा स्टडी करके लगाया। हाँ। इन डेप्थ एनालिसिस करके क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा प्री सब जानकारी हमने विजिट कर करके इकट्ठा करने के बाद फार्म पे प्लांटेशन लगाया। ओके। वो उसके बाद हमको फर्स्ट हमारा जो प्रोड्यूस आया वो 2016 में आया। ओके। व्हिच वाज एब्सोल्युटली फेल्ड प्रोड्यूस। उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट ने हमारे प्लांटेशन पे अटैक किया हुआ था और उस वजह से पूरा हमारा क्रॉप डैमेज हुआ। देन आई टुक मैंने एक एम लिया कि भाई ये कैसे भी करके बीमारी हटाना है प्लांटेशन में से। तो धीरे धीरे सीखता गया, उसमें नॉलेज इतना बड़ा, तो हमने वो जो इम्पॉसिबल है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट कभी जाती नहीं है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हैं, गुजरात में भी चालू हैं और साउथ में तो बैक्टीरियल ब्लाइट का डेवस्टेशन बहुत बड़ा है। उस वजह से जो मैंने ये बीमारी क्लियर की और फेम मिला, उस वजह से देर इज अ रजिस्टर्ड ऑल इंडिया पोमोग्रेनेट फार्मर्स एसोसिएशन। ओके। उसमें मुझे बुलाया गया, उसमें पदवी दी, मुझे डायरेक्टर बनाया और धीरे धीरे अपना काम जो पॉलिटिकली भी उसमें चालू हुआ। ओके। फार्म में फर्स्ट प्रोड्यूस हमारा जो बैक्टीरियल ब्लाइट आता है ना मैम, तो उसमें बहुत सारा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स यूज होता है, स्पेशली बैक्टीरियासाइड। तो हमने एम लिया कि बैक्टीरियासाइड, क्योंकि बैक्टीरियासाइड अगर हम डालेंगे तो आपका प्रोड्यूस यूरोप में नहीं बिक सकता है। फंजीसाइड भी डालेंगे तो उसमें प्रोड्यूस बिकता नहीं। तो वी हैड टेकन अप अ नेम कि हमको रेसिड्यू फ्री ही प्रोड्यूस बनाना है। ओके। देन वी वर द फर्स्ट ग्रोअर जो रेसिड्यू फ्री, इतना बीमारियों होने के बाद भी हमने प्रोड्यूस निकाला एंड वी सोल्ड इट इन यूरोपियन कंट्री थ्रू INI कंपनी, विच इज अ वेरी ह्यूज कंपनी इन प्रेजेंस ऑफ पूरे फ्रूट्स में फॉरेन में डील करते हैं एक्सपोर्ट में। तो दे सपोर्टेड अस एंड उनके थ्रू हमने पहला जो हमारा फ्रूट का प्रोड्यूस था उनके थ्रू हमने बेचा। सेकेंडली धीरे धीरे वो चलता गया। प्रॉब्लम क्या आता है, ये रेसिड्यू फ्री बनाने के लिए प्रोड्यूस को दवाया बहुत सारी बैंड है यूरोप में, वो लोग जहर नहीं खाते हैं। हम लोग यहाँ कुछ भी खा लेंगे पर वो नहीं खाएंगे। तो उनके नॉर्म्स वो पूरे हमने पता किए, 203 केमिकल्स के ऊपर मुझे उनका जो MRL वैल्यूज उसका नॉलेज मैंने लिया। वो धीरे धीरे हमारे जो 10 प्रोड्यूस उसके बाद आए उसमें से 8 सक्सेसफुल हुए। ओके। तो फ्रेश फ्रूट भी बिका है, दाना भी बिका है एंड रिसेंटली USA ने भी ओपन किया है अपना इंडिया का दाना परचेस करना, जो पहले बैंड था वो खरीदते नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया भी चालू हुआ है। अच्छा। तो रेसिड्यू फ्री दाना पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत डिमांड है,
उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अभी जैसे महिंद्रा भी इन्वॉल्व हुई है। ओके, बहुत सारे मल्टीनेशनल्स अभी ये फील्ड में आ रहे हैं। ये प्रोड्यूस सभी जगह इम्पोर्टेंट ना क्यों है, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी है अलोंग विथ उसके जो फ्रूट के जो बेनिफिट्स है, उसके साथ साथ उसके सीड्स में उसके एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो खाने से बॉडी को हमेशा हेल्पफुल रहता है। तो हर जगह इसकी डिमांड है, स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज में भी, अपने दुबई और अपना जेदा, पूरा जो अपना ये सऊदी का बेल्ट है, मिडिल ईस्ट है, इसमें बहुत डिमांड रहती है। उनके वहां कैसा है, इट इज लाइक हम दिल्ली बेचने जाए ना माल, उतना इजीली वहां में माल बेचता है। तो वहां कोई इतना हैसल नहीं है, पर रेट नहीं मिलता है। तो रेट का ज्ञान फार्मर को या एक्सपोर्टर को हमेशा रहना चाहिए। बहुत ही इजीली ये प्रोड्यूस भेज सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस वाले बेटर प्रिफर्ड हैं। नीदरलैंड्स को पहुंचने में 20 से 25 दिन प्लस लग जाते हैं। फ्रेश फ्रूट है तो उसको प्री कूलिंग भी चाहिए, उसके नॉर्म्स यूरोपियन स्टैंडर्ड से रहते हैं। अगर कोई फार्मर या एक्सपोर्टर करना चाहता है तो वो गैप सर्टिफाइड अगर वो है तो उनके लिए बहुत बेटर रहता है। अपना फार्म और मैनेजमेंट पूरा गैप यूरोपियन गैप सर्टिफाइड है। वो गैप सर्टिफाइड यानी ग्लोबल एग्रीकल्चरल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ग्लोबल जीएपी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यस यस यस, तो ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में काम करना चाहते हैं तो, अदरवाइज क्या करेंगे, दूसरे फायदा ले जाएंगे आपके पास से। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दूसरे जो जिसके पास है उनके थ्रू बेचना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉफिट वो लोग भी शेयर, प्रॉफिट वो लोग ले जाते हैं। सर, ये जो हमारा मैं एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगी। सर हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, ही इज द ओनर द डायरेक्टर ऑफ क्रिम्सन एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड्स एंड ऑल इंडिया पोमोग्रेनेट ग्रोअर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में ये बहुत बड़े स्थान पे रह चुके हैं, शायद प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर आप डायरेक्टर हूँ मैं, डायरेक्टर हैं सर। तो सर इज अ डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया पोमोग्रेनेट ग्रोअर्स एसोसिएशन। यस, ग्रोअर्स या फार्मर्स एसोसिएशन। तो सर का एक अलग सा हमें आज यहाँ पे एक्सपर्ट इंटरव्यू में हमें मिल रहे हैं कि ही इज ऑल्सो अ फार्मर एंड ही इज ऑल्सो एन एक्सपोर्टर। सर आप किन किन देशों में एक्सपोर्ट करते हैं फिलहाल ये पोमोग्रेनेट? मैम, मैंने 3 कंट्रीज में मेरा माल गया हुआ है। अच्छा। बांग्लादेश, दुबई एंड यूरोप। ओके, एंड सर ये आप रेसिड्यू फ्री जो कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिकली आप ये प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गेनिक में कैसा होता है मैम, उसमें कुछ आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये जो ऑर्गेनिक की जो बातें हैं ना, तो फ्रूट में बहुत डिफिकल्ट रहती है। ओके, तो व्हाट दिस इज अ प्रैक्टिस वेयर यू कैन स्प्रे अ केमिकल, आप एक स्प्रे कर सकते हैं, उसकी स्प्रे की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इसका एमआरएल वैल्यू और कितना दिन के बाद इसका वो केमिकल प्लांट में से हट जाएगा। प्लांट पौधा खुद ये केमिकल उनके जो है बाहर निकाल देता है। उसका एक फिक्स टेन्योर रहता है, बहुत सारे केमिकल्स के 6 महीने के पहले से भी ज्यादा है, बहुत सारे तो बैंड है जो अभी भी प्रैक्टिसेस में है इंडिया में, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो ये सब नॉलेज गैदर करके आप ये कर सकते हैं। सर आपके खेतों में कौन सी वैरायटी पोमोग्रेनेट्स की है जो आप उगाते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, कौन सी वैरायटीज हैं ये? ये इसको भगवा सिंदूरी बोला जाता है। भगवा इज द बेस्ट जी, जी भगवा सिंदूरी करके है वो, एक बहुत बड़े निष्णात डॉक्टर थे पंजाब के, उन्होंने इन्वेंट की थी। हाँ जी, और ये प्रचलन, दिस इज अपनी जो वैरायटी है वो बहुत अच्छे से फॉरेन मार्केट्स में बिकती है, बिकॉज ऑफ इट्स एरिल कलर, ब्लड रेड रहता है।
ब्लड रेड एरियल कलर, मतलब अंदर के दाने का कलर जी, और बाहर भी लाल घूम, लाल एकदम आएगा, टमाटर से भी ज्यादा लाल है ये भगवा सिंदूरी, जो सिंदूर और भगवा कलर, मतलब ये भगवा तो नहीं कह सकते या, पर इट इज रेड, प्योर रेड कलर। और सर आपने दिए हैं कि यहाँ पे आपने अलग अलग ग्राम्स दिए हैं, तो कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? एक्सपोर्ट में हमेशा जो एक्सपोर्ट कंडीशंस रहती हैं, सो हर एक मार्केट की अलग अलग रहती हैं, ले सब जाते हैं। सपोज यूरोप में 220 ग्राम्स प्लस रहता है, उसके फिक्स नॉर्म्स रहते हैं कि हमको ऐसा ही चाहिए चाहिए, ओके। हाँ, तो थोड़ा उनको कच्चा साइड से जाता है, क्योंकि एक महीना धीरे धीरे वो और भी फ्रूट कलर पकड़ता है, तो हार्वेस्टिंग थोड़ा कच्चे से स्टार्ट होता है। ओके, ऑल राइट। स्लाइट कलर के बाद दो चार हो जाएगा। दुबई में कौन सा जाता है सर? दुबई में जो अपना नॉर्मल जो जाता है पूरा रेड, वही भगवा सिंदूरी जो जाता है, इसमें नॉर्म से डिफॉर्मेशन के लॉ है उसमें, सपोज टू फिंगर से ज्यादा खराब होगा तो नहीं चलता है, तो दैट इज वो पूरा प्रोड्यूस लोकली सेट अप। सर आप जो ये हमें बता रहे थे कि पत्ते जो पोमोग्रेनेट के छोड़ पे उसमें जो पत्ते आते हैं उसकी भी लेंथ देखनी होती है, तो वो क्या क्वालिटी बताती है हमें? अगर पौधा का पत्ता बड़ा रहेगा तो बेटर फ्रूट बनाएगा और बेटर फ्रूट बनाएगा। अच्छा, जनरली वहाँ पे वहाँ इतना छोटी बात से सब काम चालू होता, शुरू होता है। हाँ। और सर आपने बताया है कि भगवा गणेश मृदुला एरकता धोलका वगैरह जो पोमोग्रेनेट होते हैं, अनार होते हैं, इतनी सारी वैरायटीज इंडिया में मिलती हैं। आपके फार्म से आप एक ही वैरायटी का उपयोग करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, भगवा या कोई और भी? नहीं, यही एक ही करना चाहिए, एक ही वैरायटी, दूसरी एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, भगवा एक ही है जो। हाँ, गणेश भी नहीं चलता सर? जी नहीं मैम, गणेश की लोकल डिमांड भी बहुत कम हो चुकी है। ओके, क्योंकि बाहर से ही वो थोड़ा सा पीला, बाहर से ही थोड़ा सा पीला दिखता है। और अंदर से अनार जो होते हैं एरियल्स जिसे आपने बोला, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसके कलर के बैंडविड्थ है। ओके, सपोज उसमें भी कैसा है कलर, वाइट आएगा, फिर पिंकिश आएगा, पानी आएगा, फिर रेडिश होगा, फिर डीप रेड जाएगा, फिर डीपेस्ट रेड जाएगा, और देन इट विल स्टार्ट रिवर्सिंग बैक। तो वो भी नॉलेज होना चाहिए कि कितना टाइम तक ये एरिल्स 5 बैंड के प्लस से पूरा ले जाते हैं। ओके ओके, 4 बैंड भी होगा तो भी चलता है उसका। ओके, ऑल राइट। ट्रेडिशनली वो बहुत इजीली उसका वो टेस्ट है। ओके, शुगर का भी तो टेस्ट है, उसमें शुगर कितना आता है वो भी टेस्ट है, प्रिज्म टेस्ट है, वो जान लेते इतनी शुगर है। वो हम अपेडा की लैब्स में करवा सकते हैं टेस्टिंग, एनएबीएल की लैब्स में। नहीं, एनएबीएल की आप यूरोपियन कंट्रीज को सेल करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, एंड सर ये आप कहते हैं कि ये वैरायटीज के बारे में हमने बता कर लिया, अभी जो क्वालिटी मांगते हैं लेट अस से यूरोपियन कंट्री में जो क्वालिटी मांगते हैं, वो यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड्स वगैरह में क्या क्वालिटी मांगते हैं? एक तो भगवा ही होना चाहिए जी, जो अपना ये अभी प्रचलित है जो वैरायटी वही चलता है वहां पे। हाँ, और डीप रेड उसके ये खाने में बहुत अच्छा रहता है, इस वजह से वो पसंद करते हैं अपना इंडियन। ओके, रेड ओके। और जो इसकी जो क्वालिटी जो बनानी है से सेलिंग तक जो ध्यान रखना है, तो पूरा पेपर रैप रहता है, ट्री कवर लगा रहता है। हाँ, जो आपने पिक्चर्स शेयर किया है। हाँ, हीट से डैमेज नहीं हो जाए या अलग पेस से डैमेज नहीं हो जाए। हाँ, ख्याल रखा जाए। हाँ, ओके। तो जितना वो ख्याल और समझ से आप प्रोड्यूस लेंगे उतना बेटर आप सेल कर पाएंगे। ओके,
और सर ये कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए इसके अंदर? एक तो आपने बोला ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट चाहिए हमें। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो अपनी जो NIBL लैब्स की फाइनल रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ओके। क्योंकि इंडिया में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, हाँ, तो कंपनियां मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रही है, ब्लेंडिंग करने लगी है अभी। सपोज एक केमिकल जो ब्रांड नहीं है वो ब्लेंड करके सेल कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। इसलिए यूरोप क्या करती है, वो डबल टाइम तीन टाइम वो टेस्ट होता है, वहां पहुंच के भी टेस्ट होता है। अच्छा। क्योंकि बाय मिस्टेक अगर फार्मर यूज करता है तो उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, उनसे बच नहीं पाएंगे। ओके, सो NABL की टेस्ट हमें एक तो करनी है, फिर मेन चीज उसके ऊपर ही है, बाकी एवरीथिंग इज इजी। बाकी सब एजेंसियां जो प्री कूलिंग का रहेगा, सपोज यूरोप जाना है तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज में इमीडिएटली प्री कूल करके वो स्टोर करते हैं, वाइल शिपिंग उनको निकाल के ग्रेड करके सीधा लोड करेंगे, वहां से लोड करेंगे, रेफर कंटेनर में ही जाएगा मैम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग सब रेफर से ही बेस्ट पहुंचता है। रेफर से ही। कौन सा टेम्परेचर आप यूरोप के लिए रखते हैं? फोर डिग्रीज ओके। एंड यहाँ पे आप, मैं एक पूछना चाहूंगी कि पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट, जैसे कि नीदरलैंड्स, तो यूरोपियन कंट्री में पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपने वहां NABL कर लिया, कस्टम क्लियरेंस हो गया, फिर आप पैकेजिंग करेंगे और फिर भेजेंगे। स्मॉल बॉक्सेस पे ही काम होता है पूरा, 2.5 किलो 3 किलो के अलग अलग पैकिंग्स हैं। ओके, जो भी आपके सिंगल लेयर बेटर प्रोटेक्टेड रहेगी। एंड हाउ डू यू प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉटम? बॉटम उसके लिए सॉफ्ट पेपर आता है, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो पेपर प्योर पेपर है, उसमें कोई प्लास्टिक नहीं जा रहा है। ओके, कोई केमिकल नहीं है? केमिकल नहीं है, वरना वो प्रोड्यूस वहां जाके वो रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो आप कौन सा पेपर इस्तेमाल करोगे नीचे ट्रे में? वाइट पेपर और रैपिंग दोनों आता है उसका। ओके, बटर पेपर से रैप हो जाता है फिर। बटर पेपर, ओके ओके, ऑलराइट। और फिर आप होल्स डालते हैं क्योंकि कूलिंग चाहिए। हाँ, कूलिंग चाहिए, उसका इथिलीन जो बनाता है राइपनिंग के लिए वो डिस्पर्स होना चाहिए, वहां से जितना कूल रहेगा एक फॉर्म में ही वो पहुंच जाएगा, आराम से पहुंचता है, विदाउट बिगड़े हुए वो पहुंचता है। बिकॉज ये फ्रूट की बहुत शेल्फ वैल्यू ज्यादा है। ऐसे हाँ, भी अच्छा, अगर आप अच्छी प्रैक्टिसेस से फ्रूट बनाया है तो हाँ, वो 15 दिन 10 दिन तक वो बिगड़ता नहीं, सिर्फ टेबल पे रखा होगा इंडोर, तो खराब नहीं होता। जी नहीं। कितनी शेल्फ लाइफ है इस फ्रूट की ऐसे विदाउट कूलिंग? विदाउट कूलिंग भी 10-12 डेज उसका मॉइस्चर ड्रॉप होता है, पर वो घर में भी वो सर्वाइव करता है आराम से। अच्छा, शेल्फ लाइफ ज्यादा है। ओके, और सर आपने एक बात बताई, एथेनॉल आपने बोला कि वो राइपनिंग के लिए, एक बार फिर बताएंगे हमें इसका प्रोसेस? इथिलीन प्रोड्यूस करता है जब फ्रूट राइपनिंग, प्लांट तो खुद इथिलीन बनाता है, एवरी फ्रूट एवरी ट्री इथिलीन बनाता है। हाँ, तो उसकी प्रोसेस कैसे डालते हैं हम बॉक्स में? नहीं, वो खुद बनाता है। अच्छा, राइपनिंग के लिए वो प्रोसेस है। हाँ, तो ये आपने बॉक्स में पैक कर दिया, फिर भी वो इथिलीन बनाता रहेगा? वो तो चालू ही रहेगा, जो अपना दूसरे जैसे फ्रूट येलोइंग करते हैं ना धीरे धीरे, आम का येलोइंग वो सब इथिलीन से ही होगा वो। अच्छा अच्छा, ओके, तो वो बनाने खुद बनाता है। ओके ओके ओके, और ऊपर का पार्ट जो होता है वो ऊपर रखने का होता है या नीचे रखने का है बॉक्स? डैमेज नहीं, वो ऐसे सेट करते हैं वो लोग, इसके ग्रेडिंग करने वाले लड़के लोग आते हैं, वो जैसे वो ग्रेडिंग करके जो सेटिंग करेगा वही, उसको पता ही होता है कि दुबई पैकिंग है तो यही करना है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो ये अपेडा वेयरहाउस में से ही होता है? जो नीदरलैंड्स यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा उसका कंपल्शन है कि अपेडा पैक्ड हाउस में ही पैकिंग होगा, नहीं जाना चाहिए, वो सर्टिफाइड पैकिंग होना है, बाकी कहीं पे रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड सर ये जो पोमोग्रेनेट फल है ये सीजनल है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च में इसकी सीजन ज्यादा ऊपर रहेगी? नहीं, ये सीजनल नहीं है,
सीजनल अकॉर्डिंग ये कैसा है, इसको आप टारगेटेड आप ले सकते हैं, पर बारिश में बहुत बिगड़ता है इसलिए बारिश का टाइम अवॉइड करते हैं। ओके सो अभी तो बारिश, हाँ उसमें कैसा होता है उसमें बेटर फ्रूट आता है, पर अभी बिगड़ना बहुत चालू हो गया है, बाकी एनी टाइम आप उसको प्लस माइनस पकड़ सकते हैं। सर आपके कितने कंटेनर्स रेगुलरली निकलते हैं महीने के पोमोग्रेनेट के भर भर के जो जाते हैं कंटेनर्स विदेश बांग्लादेश दुबई? जी अभी कैसा हो गया था मैम, 2 साल से इंडियन मार्केट में पोमोग्रेनेट अवेलेबिलिटी नहीं था ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल। यहाँ की मार्केट ही इतनी हाई चली गई थी कि भाई दुबई के रेट से बेटर इधर सेल हो रहा था। अच्छा तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी मार्केट में कौन सा रेट चल रहा है। ओके क्योंकि दुबई में सिर्फ अपना ही माल आएगा ऐसा नहीं है, दूसरी कंट्रीज के भी वहाँ प्रोड्यूसर। ये दुबई की मार्केट या नीदरलैंड्स की मार्केट में ये क्या दाम है आप कैसे पता करते हैं सर? मैम यहाँ सभी जैसे अपना व्हाट्सएप भी ग्रुप्स हैं पूरे, वहाँ पे अपने जो बायर्स हैं उनके खुद के ग्रुप्स हैं। अच्छा। यहाँ के बहुत सारे एजेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके। तो रेट्स लाइव रेट्स आपको एवरीडे मिलता है कि आज ये प्रोड्यूस, ये सब मार्केट्स में जैसे अपनी खुद की मंडियां हैं। हाँ। अगर एक्सपोर्टर किसी के ऑर्डर्स लेके काम कर रहा है तो उसकी एक सेकंड टेक्निक वो भी है कि वहां जाके वो ऑर्डर प्रोक्योर करके सप्लाई करें। ओके ऑलराइट। और सर आपका एवरेज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका प्रॉफिट कितना है आप बताएं, पर एवरेज पोमोग्रेनेट का आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट एक्सपोर्ट में आपको क्या मिलता होगा, परसेंटेज रेंज ही बतानी है आपको सर। सपोज मैं ऐसे आपको बोलता हूँ कि लोकली अगर मैं सेल करता हूँ जी यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे फ्रूट बिकेगा आपका एक फ्रूट का 2-3 यूरोज में जाएगा। ओके यहाँ पे इधर एक फ्रूट आपको 15-20 रुपए में भी मिल सकता है। ओके कोई प्रोसेस नॉलेज इंफॉर्मेशन पूरा बहुत टायरसम और दिमाग खाने वाला चीज है, लास्ट तक आपको ले जाना है उसको नीदरलैंड, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। ओके तो शांत दिमाग से ये बिजनेस करने लायक है, डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। ओके और सर आप ये एयर कार्गो नहीं भेजते हैं, सिर्फ शिप से ही भेजते हैं? क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है मैम। तो एक कंटेनर में आप, एक रीफर कंटेनर में आप कितने बॉक्सेस या कितने नंग कितने यूनिट्स भेजेंगे? सपोज 15 टन का कंटेनर लिया है तो उसमें 2.3 kg उसमें प्रोड्यूस रहेगी, बाकी का बॉक्स का वेट, उसका कतरन का वेट, उसका पेपर का वेट करके 3 kg प्लस जाता है वो। ओके okay. दुबई में चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो 2 kg भी भर के भी जा रहा है। ओके एंड सर आप हमारे जो नए एक्सपोर्टर्स हैं वो शायद फार्मिंग ना करें, जैसे आप इतना मेहनत करके फार्मिंग करते हैं, तो सबसे अच्छी जगह सोर्सिंग के लिए कौन सी रहेगी पोमोग्रेनेट्स का, अगर उनको भी सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है तो? अगर देखिए ज्यादातर अगर रेसिड्यू फ्री है तो आपको फील्ड तक जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो कौन से खरीदना है और यूरोपियन कंट्री जाना है सेल्स के लिए तो आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, पर वहां पे बिजनेस बहुत इजी है। जो जो दूसरी जगह हमको जितना प्रॉब्लम पड़ता है वो यूरोपियन कंट्रीज में इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। हाँ, तो जो बिजनेस सोर्सिंग के लिए मंडियां भी है, सबसे अच्छी मंडी कौन सी है महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की बहुत बड़ी मंडियां हैं, अभी तो यहाँ पे भी वही लोग ने इधर भी गुजरात में अपना थराट में यहाँ पे कच्छ में भी लगाई हुई मंडियां बहुत लगी हैं, राजस्थान में भी बहुत बड़ी है। तो ये लोग मंडी से सोर्स करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर उससे बेटर है फार्मर तक पहुंचे हैं वो बेटर है। ओके
सो फार्मर्स से डायरेक्टली सोर्सिंग. फर्स्ट टाइमर्स जो रहते हैं उनके लिए मंडियां बेहतर रहेगी क्योंकि उनको वो सॉर्टेड झंझट के बिना उनको माल मिल जाएगा वहाँ मंडिया. सॉर्टिंग नहीं करना पड़ेगा. हाँ जी, कुछ उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कुछ भी. ओके सर, आपका भी सन है, आपका बेटा अभी करीबन अभी टीनेज में है, पढ़ाई कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो आप हमें बताएंगे आज के जो युवा वर्ग हैं जो एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लिया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में यदि कोई एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे इनके लिए? मैंने मेरे सन को जो मैसेज दिया है वो सबके लिए मैं देता हूँ कि जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है. ओके. अभी जो हो रहा है कि सपोज मैंने देखे हैं बहुत सारे एक्सपोर्टर्स फेल हुए हैं क्योंकि उनकी नॉलेज और रेट की नॉलेज, अब कहाँ सेल करना है वो भी नॉलेज लिए बिना वो छोड़ देते हैं यहाँ से भर के छोड़ दिया कंटेनर, कहाँ कोई भी किसी के हाथ में जा रहा है, वहां से पैसा वापस नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, वहां जा रहा है तो बिगड़ जा रहा है माल, माल कैसा खरीदना है, कैसे उनको प्रोक्योर करना है, फ्रूट पैकेजिंग तो देखिए सबको थोड़ा सा सीखने जाएंगे तो इमीडिएटली पता चल जाएगा. और हाँ, गाइडेंस भी दे सकते हैं कि उसमें भाई इतना ये उस जो बॉक्स बनाने वाले हैं उनको पता ही है. yes. कि भाई दुबई के लिए ये लग रहा है, यूरोप के लिए जो टेप लगती है वो भी टेप्स में भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो गम्स भी अलाउड नहीं होता है. नॉलेज मिल जाएगी, पर नॉलेज मिलने से प्रोड्यूस के ऊपर थोड़ा नॉलेज कैटर करें, फिर मार्केट सर्च करें, मार्केट अभी ये चल रहा है वहां पे ये पड़ता है, पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करके अगर वो करेंगे तो 100% सक्सेसफुल ही होंगे. वेरी गुड सर, आई अंडरस्टैंड. तो जरूर से हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक फल है, ये ऐसे ही कोई भी फल का एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, पर नॉलेज बहुत जरूरी है. और कंट्री का नॉलेज, वहां का ट्रेंड, वहां क्या उनको पसंद है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने दिनों के बाद पहुंचेगा और फल किस हालत में वहां पहुंचेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. एंड बाकी तो हमारे साथ हर्षवर्धन जी है ही, एंड ही हैज गिवन अस गुड गाइडेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ पोमोग्रेनेट. ये एक फल है, बाकी कोई भी फल आप लेंगे, चाहे आप कोकोनट ले, चाहे आप पाइनएप्पल ले, चाहे आप बनाना ले, प्रोसेस यही रहेगी, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ये चीजें आपको नॉलेज से ही आएगा. अपेडा इज अ वेरी गुड वेबसाइट और वहां से बहुत सारा ज्ञान मिलता है हमें. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट. कल हमारी बात हुई और आज आपने हमें समय भी दे दिया, आई रियली अप्रिशिएट. एंड अगर हमें कोई जानकारी ज्यादा चाहिए तो हम आपके संपर्क में रहेंगे. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रिपल आई एफ, ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रिपल आई एफ. Thank you, sir. Thank you.